वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट जबरदस्ती नो फ्लिप चूल्हे पे नान बनाएंगे, वो भी रोगनी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 4 कप मैदा है, वाइट फ्लावर, तो इस तरह से मैंने मेजर किया है। ये कप जो है 250 ml का है अराउंड, लेकिन ये कि आप कोई भी जैसे कप मेजर करने के लिए लेते हैं वो ले लें। तो ये 4 कप है और ये इसको हम बड़े झटपट से बनाएंगे। तो 1 teaspoon इसमें हम इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे, 1 teaspoon नमक डालेंगे, 1 second बस, 1 second के लिए मिक्स किया। और अब इसमें हम तेल डाल देंगे। इसको मशीन से आटा हरगिज़ गूंदना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं बड़ी सुस्त हूँ, तो ये देखें 2 tablespoon है ऑयल, ये मैं डाल रही हूँ। किसी भी किस्म का तेल जो भी आपको डालना हो वो डाल सकते हैं। तो ये चला गया और यहाँ हमारे पास 2 tablespoon दही है, इसको डाल देंगे। स्टार्ट करेंगे, और यहाँ हमारे पास गुनगुना नीम गर्म पानी है, उसको डालना शुरू करते हैं। तो ये हमारा सारा पानी चला गया जो कि 1/3 cup था नीम गर्म। तो बस अगर आप हाथों से गूंद रहे हैं तो उसको बड़े अच्छे से 8-10 minutes तक गूंद लें। देखिए 3-4 minutes हो गए आटा गूंदते हुए, अब हम इसमें 1/2 tablespoon तेल डाल देते हैं और थोड़ा सा और उसको गूंद लेते हैं, बस लाइक 30 seconds। चले ये अच्छा सा हो गया, देखिए कितना अच्छा सा आटा हो गया हमारा, जबरदस्त खेलने जैसा है, बॉल के जैसा, सॉफ्ट सॉफ्ट बॉल जैसा होता है ना ऐसा। चले अब एक काम करते हैं, इसको हम राइज होने के लिए रखते हैं। एक बोल में थोड़ा सा तेल डालते हैं और इसको ऊपर नीचे तेल लगा लेते हैं और किसी भी चीज़ से कवर कर देंगे। मेरे पास यहाँ सरान रैप है तो मैं उससे कवर कर देती हूँ। अगर आप चाहें तो किसी भी किस्म की प्लास्टिक की जो थैली होती है ना, साफ़ सुथरी जो हो, उससे भी कर सकते हैं। तो बस अब इसको किसी भी वॉर्म जगह पर रख देना है, जैसे बंद माइक्रोवेव है या कोई कैबिनेट है या ब्लैंकेट डाल के, बहुत जल्दी वैसे ही राइज हो जाएगा। तो ये इसके डबल होने पर मिलते हैं। तो चले मैं यहाँ रख देती हूँ और डबल होने पर मिलते हैं। देखिए 1.5 घंटा हो गया और देखते हैं कि हमारा आटा लग कैसा रहा है। ये गुप्पा गुप्पा मोटा मोटा। चले खोलते हैं और यहां देखिए हमारे पास 2 pan है, फ्राई पैन, तो उसको हम ऑन करते हैं। अब ये फ्राई पैन में ये मीडियम पर रख देते हैं, फिर मैं बताती हूँ। 2 pan रख रही हूँ क्योंकि ये बड़े जल्दी जल्दी से बनेंगे। फ्राई पैन में बनाने का आइडिया मेरा इसलिए ये था कि अक्सर मुझे कंप्लेंट्स आ रही थी, पहले मैंने जब अवन में बनाई और चूल्हे पे बनाई तब सबने कहा कि नहीं अवन बगर की बताए, तब हमने उल्टे तवे की बताई जो कि अब आम हालात में बहुत सारे लोग बना रहे हैं। लेकिन उसमें मसले क्या हो रहे हैं पता है लोगों को, कुछ के पास मेटल के तवे ही नहीं है जो कि पलटने जैसे हों, और जो कुछ लोग जो नॉन स्टिक के बैक में कर रहे हैं और फिर नॉनस्टिक को रख रहे हैं आग पे, तो वो कह रहे हैं कि हमारे तवे ख़राब हो रहे हैं। तो कुछ ऐसी आइडिया लाएं कि जिसमें हमारी कोई चीज़ ख़राब भी ना हो, और कुछ लोगों को थकन भी होती है, बेसिकली मुझे भी हो जाती है, यूँ कितनी देर कोई कर सकता है, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी फैमिली अच्छी खासी बड़ी है और हम खाने पीने वाले लोग हैं। तो ये मेरी आइडिया है
कि हम इस तरह से बनाएं और बेहतरीन तरीके से बनती है और कंफर्टेबली। तो चले बनाते हैं। तो चलिए ये आटे को निकालते हैं। देखें और अब इसको हम थोड़ा सा टुगेदर कर लेते हैं। तो ये देखें हमने राउंड कर दिया और अब इसमें से हम चार बॉल निकालेंगे। तो इसको हम हाफ कर लेते हैं। तो चलें दो को रखते हैं यहाँ, एक यहाँ रखते हैं क्योंकि दो फ्राई पैन लिए ना, तो दो साथ बनाएंगे, बड़ी झटपट सी बन जाएगी। अब आप चाहें तो इसको हाथों से फैला लें और चाहें तो बेलन से कर लें। ये बड़े कॉम्प्रोमाइजिंग लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। तो ये देखें थोड़ा सा मैं इस तरह से कर रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा आटा डालेंगे। और अब इसको बेल लेंगे। बस आपके पास जितना बड़ा फ्राई पैन है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अगर आपके पास फ्राई पैन छोटा है सपोज़, तब आप इसके 6 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं, लेकिन ये बड़ी गद्दे जैसी बड़ी बड़ी सी बड़े मज़े की लगती है। चले ये हो गया अच्छे से। अब चूल्हे को हम करते हैं मीडियम लो। मीडियम पे हमने गरम कर लिया लेकिन मीडियम लो कर दिया और इसमें हम डालेंगे तेल, तकरीबन 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। और हीट जो है आनी चाहिए लेकिन बहुत नहीं आनी चाहिए। मीडियम पे गरम करने के बाद मीडियम लो कर दिया हमने। तो चले इसको उठाते हैं और रोटी की साइड को नीचे वाले को डाल देते हैं। चले ये चली गई और अब हम दूसरा ले लेते हैं। थोड़ा सा आटा डालेंगे। इसको बेल लेंगे। चले ये हो गई अच्छी सी। अब ये चूल्हे को भी हम मीडियम लो कर देते हैं और इसमें भी डालते हैं 1 टेबलस्पून तेल और इसको भी डाल देते हैं। बस इसको अब 3 से 4 मिनट तक हम एक साइड पर रखेंगे और मैं बताऊंगी कि पलटना कब है। देखिए ये बबल्स आ गए ना और 3-4 मिनट हो गए हैं। तो इसको हम देखते हैं पलट के। ये देखें कितना अच्छा सा ब्राउन हो गया है। इसको पलट लेते हैं और इसको चेक करते हैं। हाँ ये भी बड़ी अच्छी सी ब्राउन हो गई। अब क्वालिटी के तवे पर भी है या फ्राई पैन पर भी। ये इसका पैंदा थोड़ा सा मोटा था और इसका पतला था, तो आप थोड़ा स्लो भी रख सकते हैं या चेक कर सकते हैं 4 मिनट के अंदर अंदर के क्या कंडीशन है। तो चले अब इसको हम 2 मिनट इस तरह से रखेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। देखिए 2 मिनट हो गई है। अब हमारे पास यहाँ 1/4 कप धनिया है और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन है। इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, तकरीबन 2-2 टेबलस्पून के आसपास, ज़्यादा भी ले सकते हैं आपकी मर्ज़ी है। और इसको मिला लेंगे और अब इसको हम पलटते हैं। 2 मिनट स्टफ हो गई है। अब ये देखें ये जो बबल्स बने थे ना वहाँ कितने अच्छे से देखें निशान हो गए। तो अब ये हम डालेंगे इस पे हरा धनिया। और इसको भी पलट देंगे। देखें ये भी कितना अच्छा सा हो गया। तो चले इसको हम दोबारा पलटते हैं। चले ये निकालते हैं हम।
चले अब हम थोड़ा सा वाइप कर लेते हैं ये हरा धनिया जो है ना, इसको ये लहसुन को थोड़ा सा हम मिक्स कर देते हैं। चलो अब इसको बेलना शुरू करते हैं। तवा हमारा वही मीडियम लो पे है दोनों। अब झटपट ये बना लेंगे। देखा आपने कितना झटपट बनने वाली है, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन अच्छे से पकाएंगे क्योंकि मोटी मोटी रखी है ना, तो वो देखिए जैसे हमने 8 मिनट पकाई है। चार से पांच मिनट एक साइड पे, फिर 2 मिनट, फिर हम लगाते हैं गार्निशिंग, फिर 2 मिनट और। देखिए 2 मिनट हो गई है और अब पलटते हैं इसको। चले देखें अब इस पे हम लगाएंगे गार्लिक ऑयल। ऑयल भी लगेगा और गार्लिक भी लगेगा, और अगर पसंद है तो दोबारा थोड़ा सा हरा धनिया भी लगेगा। उसमें ज़्यादा लगा था, इसमें कम लगेगा। और अब इसको पलटते हैं। ये देखें, चल इस पे भी लगेगा गार्लिक प्लस ऑयल। खुशबूएं बड़ी शानदार आ रही है गार्लिक ऑयल की। चल थोड़ा सा हरा धनिया भी रख देते हैं इस पे। चल इसको पलट लेते हैं और ये हो गई है, इसका बंद करते हैं और निकालते हैं। और अब इसका चूल्हा भी बंद करते हैं, इसको भी निकालते हैं। ये देखिए रेडी हो गया। कौन कौन आ रहा है खाने के लिए बताएं, कितनी इजी पीजी। नो तवा उल्टा करना, नो अवन का होना, और कैसे झटपट बिली और ये चली गई। अगर आपने मेरी अवन वाली नान और चूल्हे वाली जो इकट्ठे हैं वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, वो भी देखिएगा, वो भी इंटरेस्टिंग है। और ये देखें मैं बताती हूँ, ये देखें इसकी सॉफ्टनेस, ये देखें कैसे लचक है, देखें गर्मा गर्म है। तो चले मैं तोड़ के बताती हूँ कि लग कैसी रही है। ये देखें देखें फूली भी कैसी है। मेरे चाय के साथ गर्मा गर्म इस तरह से गार्लिक वाली धनिया वाली नान दे दो, आहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए फिर। मुझे फ्रेश नान और सॉफ्ट सॉफ्ट, ये देखें कैसी यूँ हो रही है, देखें इस तरह से धुआं भी निकल रहा है। मैं आप लोगों को बता भी सकती हूँ कि कितनी सॉफ्ट है। निहारी हो, चारपाई हो, ओरवा हो, और अब आपने देखा ये कितना इजी है बनाना। आप चाहें तो 4 बनाएं 6 बनाएं 8 बनाएं, लेकिन ये क्या मोटी मोटी गद्दे से ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग अपने बॉस हैं, जो दिल चाहे करें। और कोई तवा लेके उल्टा यूँ खड़े रहने की भी ज़रूरत नहीं है, और इतनी सॉफ्ट और ख़तरनाक। अब आप लोग भी बनाएं जल्दी जल्दी, ख़ासतौर से रमज़ानों में तो इतनी काम आएगी, और अभी लॉकडाउन में भी हर तरह से। वैसे भी हाइजीनिक, इतनी अच्छी घर में साफ़ सुथरी मज़ेदार सॉफ्ट सॉफ्ट नान किसको नहीं चाहिए। चले जल्दी जल्दी जाएं बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।